नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले सीहोर की खबर का जिक्र करेंगे। सृष्टि को बचाने के लिए जद्दोजहद लगातार चल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मोर्चा संभालती हुई यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 15 फीट से ज्यादा गड्ढा खोदा जा चुका है। पथरीली जमीन होने के चलते गड्ढा खोदने में दिक्कत आ रही है। करीब 30 फीट तक और अभी गड्ढा खोदा जाना है। पैरेलल गड्ढा लगातार किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार दी जा रही है। बच्चे के मूवमेंट को भी लगातार कैमरे के जरिए रिकॉर्ड करने की कोशिश और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि इस बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाए। चूंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी लगातार निर्देशित किया गया है, मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री भी खुद कर रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के, निर्देश यही कि लगातार अधिकारी प्रशासनिक अमला यहां पर जुटे रहें, जिस भी चीज की जरूरत होती है सीधे भोपाल तक जानकारी पहुंचाएं। मुख्यमंत्री की तरफ से सारी चीजें, सारी सहायताएं मुहैया करवाई जाएंगी। 15 फीट से ज्यादा गड्ढा खोदा जा चुका है और फिलहाल 30 फीट अभी गड्ढा खोदना बाकी है। ये बताया जा रहा है कि 20 से 30 फीट की गहराई पर ही बच्ची फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए तमाम मशक्कत लगातार चलती हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौके की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जेसीबी के जरिए खुदाई का काम लगातार चल रहा है। सृष्टि को बचाने के लिए प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। परिजन लगातार डटे हुए हैं। आसपास जितने भी ग्रामीण हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये कोशिश की जा रही है कि एक तरफ जल्द से जल्द पैरेलल टनल बनाने का काम पूरा हो और दूसरी तरफ बच्ची से लगातार संपर्क किया जा सके, जिससे उसका मनोबल ना टूटे। ये बताया गया कि पहले पिता से बातचीत कर रही थी बच्ची, लेकिन अब चूंकि देखने को मिल रहा है कि रात का समय हो चुका है, ज्यादा हरकत बॉडी में नहीं हो रही है। बताया जाता है कि कैमरा भी लगाया गया तो उसमें भी सिर्फ हाथ नजर आ रहा है, हाथ में मूवमेंट जरूर देखने को मिल रही है। अच्छी बात यही है कि बच्ची रिस्पॉन्ड कर रही है और इसके बाद अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के आगे ये बड़ी चुनौती कि चट्टाने लगातार रास्ते का रोड़ा बनती हुई, पथरीली जमीन है यहाँ पर और इसी वजह से टनल खोदने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे गहराई की ओर जा रहे हैं चट्टाने अड़चन पैदा कर रही हैं और अक्सर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं खुदाई के दौरान चट्टानों का मिलना एक बड़ी मुसीबत पैदा करता है और इसी वजह से चुनौती भी बढ़ती जाती है इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात की कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जा सके। सही कि वासु की ओर हम रुक कर लेते हैं, मौके पर लगातार डटे हुए हैं। वासु, क्या स्थिति फिलहाल आप देख रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए करीब 9 घंटे हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट हमें मिला है वो ये है कि 17 फीट तक खुदाई हो गई है और करीब इतनी ही खुदाई होना अभी बाकी है। उसके बाद एक पैरेलल टनल बनाने का काम शुरू होगा जिसके जरिए सृष्टि तक पहुंचा जा सकेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आप जैसे कि इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में अवंतिका देख सकती हैं कि कितना हार्ड रॉक यहां से निकल रहा है, चट्टाने यहां से निकल रही हैं, जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है और इसी के चलते इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में ज्यादा वक्त यहां पर लग रहा है। और उम्मीद हम लगातार यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सृष्टि तक पहुंचा जा सके। हालांकि जब प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम लोग सभी इस उम्मीद में हैं, इस आशा में हैं कि सृष्टि ठीक होंगी और उन तक लगातार जो ऑक्सीजन है वो यहां पर पहुंचाई जा रही है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं उनके जरिए लगातार जो बोर है वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाने का जो काम है वो यहां पर किया जा रहा है। एक सीसीटीवी कैमरा भी अंदर भेजा गया है जिसके जरिए जो तस्वीरें हैं उनको भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि सृष्टि वहां पर ठीक होगी, लेकिन आप इस बीच ये भी देख सकते हैं कि सुबह से ही अब तक यहां पे बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है, जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो यहां पर जमा हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थना का दौर भी जारी है कि जल्द से जल्द सृष्टि को निकाला जा सके, बचाया जा सके। जो सृष्टि के घर वाले हैं वो भी लगातार इसी आस में, इसी उम्मीद में हैं कि उनकी बेटी एक बार फिर से हस्ती खेलती हुई बाहर यहां पर निकलेगी। तो ये तमाम जो जेसीबी मशीनें हैं, पोकलिन मशीनें हैं, करीब करीब दर्जन भर मशीनें यहां पर हैं, काम पर लगी हुई हैं और लगातार इस पूरी जो खुदाई का काम है
वो यहाँ पर चल रहा है। पैरेलल सुरंग बनाने का काम जो है ये शुरू होगा जब एक नेच जो निश्चित डेप्थ जब वहां तक टीम पहुंच जाएगी उसके बाद एक पैरेलल सुरंग बनाने का काम जो है वो शुरू हो सकेगा। लेकिन अभी करीब 16-17 फीट और खुदाई करनी पड़ेगी और उसके बाद उस स्टेज पे पहुंचेंगे जब सृष्टि को बचाने के लिए एक पैरेलल सुरंग बनाने का काम शुरू हो सकेगा। 30 फीट की गहराई पे ये बताया जा रहा है कि जो बच्ची है वो फंसी हुई है और इस बोर की गहराई करीब 300 फीट तक है। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि बच्ची को पैरेलल टनल बनाने का काम चल रहा है हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या बच्ची के मूवमेंट को लेकर अभी तक कोई अपडेट है? रिस्पॉन्ड कर रही है क्या बच्ची अभी? देखिए ये बहुत हद तक स्थिति जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रशासन की ओर से भी अगर इस बात को लेकर अगर पूछा जाता है तो कोई स्पष्ट जवाब हमें नहीं मिल रहा है और उम्मीद हम लोग यही लगातार कर रहे हैं और प्रशासन भी यही उम्मीद कर रहा है कि बच्ची जो है वो अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। हालांकि काफी जो समय है वो बीत चुका है। प्रदीप हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रदीप क्या कुछ अपडेट अभी शासन प्रशासन से मिला है आपको? देखिए जो खुदाई का जो दौर चल रहा है लगातार उसमें जो सबसे नीचे के स्तर आ रहा है वहाँ जो चट्टान टाइप का जो मेटल निकल के आया है इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट मशीन कोबाल्को के माध्यम से यहाँ पे खुदाई लगातार चल रही है और केवल 10 फीट दूर है। अब 10 फीट दूर जैसे ही हम पहुंचेंगे वैसे ही एक टनल बनाकर और उसकी खोदने का जो है रेस्क्यू शुरू होगा। तो एक तरह की अभी एक आशा ये बंधी हुई है कि शायद ये काम बहुत शीघ्रता के साथ में जल्दी निपट जाए। बच्चे के जो माता पिता है उनकी क्या स्थिति है? बच्चे के पिता का ये कहना है कि भगवान से लगातार प्रार्थना चल रही है, पूरे गांव के अंदर प्रार्थना का दौर जारी है। पिता का यही कहना चल रहा है बार बार कि मेरी बच्ची सुरक्षित मुझे मिल जाए। तो देखिए अवंतिका माता पिता जो है वो इस आस में हैं कि बच्ची सुरक्षित निकले और प्रदीप जो बात बता रहे थे कि हार्ड स्टेट है इसमें सबसे बड़ी चुनौती अवंतिका यह है कि बच्ची जो है वो 30 मीटर की डेप्थ में फंसी हुई है और अगर इस पूरे बोर की अगर मैं गहराई की बात करूं तो 300 फीट की गहराई है। तो सबसे बड़ी सावधानी रखने की ये आवश्यकता है कि बच्ची यहां से और ज्यादा नीचे ना खिसक जाए, उसको लेकर ये प्रयास है कि बहुत सावधानी के साथ इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है। और आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं ये ठीक जो आपको एक छोटा सा पौधा यहाँ पे नजर आ रहा होगा उसके ठीक बाजू में वही बोर है जहां पर सृष्टि अंदर फंसी हुई है और उस तक लगातार देखिए आप कैमरे के जो वायरिंग्स है वो आपको दिखाई देंगी और जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन है वो भी आपको नजर आएगी और उसके ठीक बाजू में आपको पोकलेन मशीन यहां पर चलती हुई तस्वीरों में दिखाई दे रही है। तो जितनी ताकत लगाई जा सकती है जो कुछ भी किया जा सकता है बेस्ट पॉसिबल वो सब कुछ करने के लिए यहाँ पे जो प्रशासन की टीम है वो काम कर रही है और हम उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ और जो आर्मी के एक्सपर्टीज को भी यहाँ पे बुलाया गया है तो सभी कोशिशें जो हैं वो जल्द से जल्द कामयाब हो। अवंतिका निश्चित तौर पर तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 दर्शकों तक पहुंचाने का काम भी लगातार कर रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कार्रवाई भी लगातार चल रही है वासु, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि चट्टानों के आने की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल, चूंकि ये बोरवेल है तो हो सकता है कि अंदर पानी भी हो, पानी को लेकर कोई जानकारी, वाटर लेवल यहां पर कितना है, इन तथ्यों को भी सामने रखिए। अवंतिका देखिए अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि बोर में पानी नहीं है, ये सूखा बोर था और इसी वजह से इसे लापरवाही पूर्वक खुला छोड़ दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक राहत की बात जरूर हो सकती है कि जो बोर है वो सूखा है, उसमें पानी की स्थिति नहीं है। कुछ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे थोड़ा सा बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। सर फिलहाल क्या स्टेटस इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? ये लगातार खुदाई का कार्य जारी है। जैसा कि आपको पता है कि अब बहुत ज़्यादा सॉलिड पत्थर आ गया है, जिस तेज गति से हम काम कर रहे थे हम प्रयास तो अभी उसी गति से कर रहे हैं, मगर चूंकि सॉलिड बहुत ज़्यादा चट्टान आ गई है तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, मशीन को भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल जो मैक्सिमम क्षमता वाली मशीन है उनका हम उपयोग कर रहे हैं। और लगभग क्या माना जाए कितना समय और सृष्टि तक पहुँचने में अभी लग जाएगा? अब देखिए वो निर्भर करता है कि नीचे और कितनी किस तरह की चट्टानें हैं, उसमें हम बता पाएंगे कि किस तरह से कितना समय लगेगा। बच्ची का कोई मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ है, कोई बातचीत? हम निगरानी तो जरूर बनाए हुए हैं, लगातार हमारे कैमरे से हमारी टीम निगरानी कर रही है। तो देखिए बच्ची पर निगरानी जरूर लगातार बनाई रखी हुई है। शासन प्रशासन का ये कहना है, एसडीएम जो है इलाके के वो हमारे साथ अवंतिका जो ये पूरी जानकारी दे रहे थे। उम्मीद
है, प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं, हम सबकी उम्मीदें हैं, प्रार्थनाएं हैं, दर्शक भी हमारी यही दुआएं कर रहे हैं, जल्द से जल्द हम उन्हें खुशखबरी पहुंचाए कि सृष्टि को हमने हंसता खेलता बाहर निकाल लिया है। जी बिल्कुल, कठिन परिस्थितियां वास्तव, लेकिन उम्मीदें लगातार बरकरार, आप नजरें लगातार बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका एक तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और साथ ही रुक करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का, पटवारी संघ की हड़ताल का ये पूरा मामला जो कि अब प्रदेश में बढ़ता हुआ, हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री ने अब संज्ञान ले लिया है, जानकारी ली है इस पूरे मसले को लेकर। जनता को अगर परेशानी हो रही है तो सीएम की तरफ से रुख साफ है, मामले पर मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। मुख्य सचिव को सीएम की तरफ से निर्देश, युवाओं को नौकरी और भत्ता संबंधी कार्यों में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया। 21 से 22 दिन हो चुके हैं इस हड़ताल को, तमाम मांगों को लेकर लगातार पटवारी संघ की तरफ से हड़ताल, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्ती दिखाई है, निर्देशित किया है मुख्य सचिव को कि अगर भत्ता संबंधी कोई परेशानी लोगों को महसूस कर रहे हैं लोग, और साथ ही साथ इस तरह की परेशानियां अगर झेली पड़ रही हैं जमीनी स्तर पर, तो ऐसी परेशानियों का सामना उन्हें ना करना पड़े, इसके लिए कोई कदम मुख्य सचिव को उठाना चाहिए। सहयोगी ममता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। ममता, 20 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं इस हड़ताल को, मुख्यमंत्री ने भी संदेश दिया है कि कोई परेशानी नहीं होने देंगे, आगे क्या कुछ हो सकता है? इसके चलते जो है एक आम आदमी जो है उसको खासतौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी हड़ताल को देखते हुए, क्योंकि लंबी हड़ताल खींची है और ज्यादातौर पे पटवारी जो है वो काफी अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत सारे काम जो है वो पटवारी से ही होते हैं, और यही वजह है कि इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं, मुख्य सचिव को कहा है कि हड़ताल के संबंध में जो है वो पूरी जानकारी उन्होंने ली, और उसके साथ ही कहा कि युवाओं नागरिकों को नौकरी और भत्ता संबंधी कार्यों में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जनता को हो रही परेशानी को खासतौर पे ध्यान दिया जाए, उस मामले में संज्ञान लिया जाए। इससे ये है कि एक बार शायद बातचीत के लिए बुलाया जाए या बातचीत के जरिए कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि मांगे, हालांकि पटवारी संघ जो है वो अड़ा हुआ है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल से वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि चुनावी साल है और जो कर्मचारी है वो भी ये समझते हैं कि अभी अगर हमने प्रेशराइज नहीं किया तो आने वाले समय में शायद जो है और भी ज्यादा इंतजार करना पड़े, तो ये नाजुक समय वो भी समझते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इधर चूंकि लगातार अगर लंबे समय तक कोई कर्मचारी हड़ताल पे रहता है और काम नहीं होते जनता के, तो वो जो है वो सरकार के प्रति ही इरिटेट होते हैं, और यही वजह है कि दोनों ही स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है इसे संज्ञान में लिया, मुख्य सचिव से कहा है कि इस बारे में पूरी जानकारी ली जाए और सुनिश्चित किया जाए कि आम लोगों की दिक्कतों को कैसे दूर किया। के पटवारी संघ से मुलाकात भी उनकी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने केंद्रीय मंत्री से अंबिकापुर से बनारस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे का दर्जा देने का अनुरोध किया है, सर्वे रिपोर्ट भी सौंपी है, और ये भी कहा है कि इससे व्यापार और उद्योग जगत को बढ़ावा मिलेगा, छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्य को भी इसका लाभ मिलेगा। ये तमाम बातें इस मुलाकात के दौरान सामने रखी गई, तो मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इधर रायपुर के सिद्धार्थ अपहरण मामले को लेकर पुलिस की तरफ से एक और बड़ा खुलासा किया गया है। पुलिस ने बताया कि 1 करोड़ की फिरौती के लिए सिद्धार्थ का अपहरण किया गया। अपहरणकर्ता कोई और नहीं बल्कि उसके घर में कभी किराए पर रहने वाला अंकित है, उसने पूरी साजिश रची। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पिछले दिनों डीडी नगर इलाके के सुंदर नगर डगनिया से सिद्धार्थ का अपहरण हुआ, कुल 5 लोग इसमें शामिल थे, सभी आरोपी यूपी और मध्य प्रदेश के निवासी हैं। लोगों ने 2 लोगों को तो इसमें अरेस्ट कर लिया है, और जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी थी वो भी रिकवर कर लिया है, और अभी दोनों जो किडनैप हुआ था वो और जो आरोपी उनके थोड़े बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो जो बचे हुए आरोपी हैं वो जब अरेस्ट हो जाएंगे तो उसे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन चूंकि किडनैपिंग की घटना हुई थी और ये दोनों लड़के इसमें इन्वॉल्व थे, हम लोगों ने इनको अरेस्ट करके अभी पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है आगे की पूछताछ करने के लिए, और बाकी आरोपियों के लिए हमारी टीम अभी भी यूपी और ग्वालियर में कैंप की हुई है। कितने आरोपी हैं सर? 3 आरोपी और हैं इसमें, अभी टोटल घटना में 5 लोग थे, जिसमें से 3 जो है किडनैपिंग में शामिल थे, 1 लड़का ड्राइविंग कर रहा था और अंकित मिश्रा प्लानिंग में शामिल। वजह तो फिरौती ही थी, फिरौती मांगना ही था, क्योंकि अंकित जो है उसके फादर को अच्छे से जानता है, हाल ही में उसके फादर ने जो है एक हॉस्टल भी बनवाया है और उसके घर पे पिछले 5 साल से उसका आना जाना था, तो उसको उम्मीद थी कि इसको किडनैप करेंगे तो कुछ पैसा हम लोगों को मिल जाए।
और उधर राजधानी रायपुर में एक महिला की आठवीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना सामने आया। मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला पंडरी थाना क्षेत्र में एक बहुमंजिला इमारत की आठवीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में काम कर रही थी और मृतका भोली बघेल घर में साफ सफाई का काम कर रही थी, जबकि एक दूसरी महिला भूमि वर्मा उसी घर में खाना बनाती थी। भूमि का कहना है कि वो दरवाजा बंद कर साफ सफाई कर रही थी और जहां से महिला के गिरने की बात कही जा रही है वहां 4 फीट की दीवार है। मृतका के पति का कहना है कि उसकी पत्नी की हत्या कर शव को फेंका गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और उधर भिलाई नगर निगम में समस्याओं को लेकर बीजेपी ने धरना दिया। नगर निगम मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर विरोध दर्ज करवाया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निगम के गेट को तोड़ दिया। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे। पूरे विश्व में अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को 2 बार संबोधित करने वाले भारत के पहले पीएम नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, जबकि इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को 3 बार संबोधित किया है। पीएम मोदी को दिया गया ये सम्मान अमेरिका में उनके प्रति सम्मान और समर्थन को दर्शाता है। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।